Assalamu Dosto and welcome back to the second episode of Fankar Ka Pakistan. Thank you for tuning in. This is Tanir Jannath from Radio Lums. In the last episode, we basically talked about the history of the concept of who a person is Admi, Insan, or what is Fardh and what is post colonial Pakistan? Mein kyun तो मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि जो इंस्पिरेशन थी इसके पीछे वो इकबाल बानो की गाई हुई नज़म जो फैज़ ने लिखी थी हम देखेंगे लेकिन मुझे बताया इसके बारे में आज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट सर नासिर अब्बास नायर ने था जो एक फ़ैकल्टी मेंबर हैं एट हियर आई हैव टेकन अ कोर्स विद हिम बिफोर And it was life-changing and I am taking another course with him right now. And before we get into the nitty-gritty details of what we're going to be talking about, hum, Sir Nasir se, unka lete But before we get into that, I want to talk about my experience. So Sir Nasir to professionally, I'm going to go to the video. उसको भी तरतीब देते हैं लेकिन मेरे लिए सर नासिर जितना मैंने ज़िंदगी के बारे में इनकी क्लास से सीखा था शायद मैंने किसी और जगह से सीखा हो और फिर जब अदब की अहमियत आपको पता चलती है कि किस तरह एक इंसान के ज़रिए जो अब जिंदा भी नहीं है लेकिन उनके जो अल्फाज हैं उनमें जान है और मैं वो महसूस कर सकती हूँ तो ये जो तजर्बा था ये मुझे सर नाशिर की क्लास से आया तो अस्सलाम वालेकुम सर नासिर कैसे हैं आप, बहुत आप तो ठीक हूँ अलहमद पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए हम आपके बहुत मशहूर हैं वो तो इस पॉइंट पे फर्ज बनता था सर तो आम, हमारे नाजरीन के लिए एक छोटा सा तारफ़ करवा लेते हैं आपसे क्या आप अपने बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहें या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जो शायद लोगों को ना पता हो आप तो मकबूल हैं आप अभी फेस फेस्टिवल पे भी आपके सेशन पे तो इतने लोग थे दरवाज़ा ही बंद कर दिया था मैं भी नहीं जा सकी थी तो जी सर जी अपने बारे में बात करना सबसे मुश्किल काम होता है और अपना तारफ़ करवाना आ, बाकी कुछ तो आपने जिक्र कर दिया कि मेरा जो काम है वो तनकीद में है और तनकीद में मैंने काफ़ी काम किया है मतलब वो वॉल्यूम के अतबार से अब उसकी ए, कितनी वर्थ है इस बारे में मैं नहीं कह सकता ये तो दूसरों का काम है कि वो इसको एवेल करें लेकिन उसका जो अहम हिस्सा है वो पोस्ट कलोनील स्टडी है एक तरह की उर्दू लिटरेचर की और वो किताबें मेरी एक्सफर्ड से छपी हैं एक चार किताबों की सीरीज़ है तो वो मेरा वो काम बुनियादी इसके अलावा तनकीद के अलावा मैंने फ़िक्शन लिखा है मेरे अफसानों की चार किताबें छपी हैं तो बस मैं लिखता रहता हूँ मुख्त मौजूत पर और उसके बाद लिखना और पढ़ना और पढ़ाना ये तीन चीज़ें मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं ये अलग अलग नहीं है मैं जो पढ़ता हूँ वो, वो मेरे लिखने पर असरानंदाज होता है और वो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेरे पढ़ाने पर असरानंदाज़ होती हैं आपने जो कहा कि आप कि ज़िंदगी के बारे में सीखा मुझे बहुत एक इतमान भी हुआ कि एक उस्ताद के तौर पर शायद ए, किसी भी शख्स की सबसे बड़ी कामयाबी ये है ए, कि वो जो कुछ क्लास में डिलीवर करता है तो वो उसका असर लोगों के जहनों पर एक मुस्तकिल होता है और वो ज़िंदगी को बिल्कुल मुख्तलफ अंदाज से देखते हैं लेकिन उस मुख्तलिफ अंदाज में ज़िंदगी को जरूरत के साथ ज़िंदगी का सामना करने और एक अपने अंदर एक नए सिरे से या और एक नए अंदाज में उस सतह पर ज़िंदगी बसर करना जो एक इंसानी सतह है जिस आपने इब्ता में कहा कि आदमी और इंसान का तो जाहिर ये भी एक बहुत बड़ा मौजू है पोस्ट क्लोनील एक स्टडीज़ का कि कैसे इंसान को आदमी की सतह पर और आदमी को हैवान की सतह पर लाया गया और जो सिविलाइज कॉमें थी किस तरह उन्होंने दूसरे माशरों के इंसानों को एक वैशी समझा अनसिविलाइज समझा और उसी तरह पहले ट्रीट किया और बाद में उसी तरह बना दिया तो ठीक है शुक्रिया सर तो आपने यहाँ पे भी जिक्र किया कि एक मुख्तल अंदाज़ आ जाता है अदब में पढ़ने पढ़ाने और सीखने में तो इसी के इसी को आगे लेकर बात करते हैं कि जो हमारे खत्ते का अदब है पाकिस्तानी अदब उसमें शायरी भी आ जाती है नसर भी आ जाती है फ़िक्शन भी आ जाता है तो वो ऐसी क्या ख़ास बात है जो पाकिस्तानी अदब को पाकिस्तानी बनाता है क्योंकि हम यहाँ पे इस शो में हमारा जो एम है वो ये है कि एक ओवरऑल जो हमारी बड़े सग़ीर की आइडेंटिटी थी जिसको हम देसी आइडेंटिटी कह सकते हैं या ब्राउन कह सकते हैं हम एक तौर में इंडियन भी थे तो अब जो हमारा अदब है वो पाकिस्तानी अदब किस तौर से है देखिए ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है जब आपने मुझसे पूछा है वो मुश्किल इसलिए है कि पाकिस्तान जब बना था तो उसके फ़ौर बाद सबसे पहला सवाल उर्दू अदब में ये उठाया गया था कि पाकिस्तानी अदब क्या है और कौन सा अदब होगा जिसको हम पाकिस्तानी अदब कहेंगे और इसी के साथ फिर पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब की शनाख्त ये सवाला सामने आए थे अब जाहिर पाकिस्तान एक बिल्कुल नया मुल्क था उन्नीस सौ सैंतालीस से पहले इस नाम का कोई मुल्क नहीं था उससे पहले ये बर मौजूद था हिंदुस्तान मौजूद था तो पाकिस्तान तो एक बिल्कुल नया आइडिया था और एक नया मुल्क बना तो अब उसके बाद ये सवाल है कि अब मुल्क बन गया तो उसका एक कल्चर भी एक अलग होना चाहिए और इसकी शनाख्त अलग होनी चाहिए और वो उसका अदब भी अलग होना चाहिए इसका आर्ट अलग होना चाहिए सब कुछ एक अलग होना चाहिए लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता इसके लिए तो एक सदियों का एक प्रोसेस चाहिए जिसके बाद खुद ब खुद एक कल्चर बनता है और एक उसकी अदब भी एक ख़ास तरह लिखा जाता है तो लेकिन अब पाकिस्तान को बने हुए पचहत्तर साल से ऊपर हो गए हैं छहत्तर सतर बरस में ख्याल छिहत्तर बरस होने वाले हैं तो इन बरसों में कुछ ना कुछ एक हमारी जो अदब की शनाख्त है वो हमें नजर आती है लेकिन पाकिस्तानी अदब से मुराद सिर्फ ज़ाहिर है उर्दू अदब नहीं है पाकिस्तानी अदब में हम पाकिस्तान की सब जुबानों का जो तकरीबन पचहत्तर से ज्यादा ज़ुबानें हैं उन जुबानों के सब अदब को हम एक पाकिस्तानी कहते हैं अदब पर दो चीज़ें बहुत नसरअंदाज होती हैं एक तो ये कि उस जिस मुल्क में वो अदब लिखा जा रहा है उसकी जो बुनियादी अकदार क्या हैं बुनियादी उसकी वैल्यूज़ क्या हैं और वो अकदार दो तरह की बड़ी अकदार होती हैं एक होती हैं अखलाकी अकदार एक होती हैं जमालियाती अकदार वो क्या हैं वो असरअंदाज होती हैं और दूसरी चीज़ जो नजर असरअंदाज होती है वो वहाँ का लैंडस्केप लैंडस्केप होता है और साथ आप बल्कि तीसरी चीज़ भी ऐड कर लीजिए कि वो मुल्कन तारीखी और बड़े बड़े वाक़ात और आलमियों से गुजराए तो अगर हम उस जावी से देखें तो पाकिस्तानी अदब जो अब हमें मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की ज़ुबानों में मैं तो अंग्रेज़ी जो लिखी जा रही है पाकिस्तान में उसको भी पाकिस्तानी अदब में शामिल करूँगा क्योंकि उसके लिखने वाले पाकिस्तानी अदीब हैं और उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो पाकिस्तान की कहानियाँ लिखी हैं तो उनमें हमें वो तीनों चीज़ें नज़र आती हैं एक ख़ास अकदार जो मजहब से मुतासर है और वह जमालियाती अकदार जो पीछे से चली आ रही थी जो हिंद इस्लामी तहजीब थी जो पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद थी और उर्दो अदब जिसका सबसे बड़ा मज़हर था वो भी चली आ रही मिसाइम गालिब पाकिस्तानी अदब से अलग नहीं किया जा सकता और गालिब की जो जमालियात है वो पाकिस्तानी अदब में आई है इसी तरह कलोनील पीरियड में गालिब इकबाल का ज़माना कॉलोनील पीरियड का है उसका असर है और गालिब और गालिब से पहले मीर तक की मीर उसकी जो जमालियात और उसके जो मौजूद हैं वो भी हमारे अदब पर असरानंदाज़ हुए हैं पाकिस्तान बनने के बाद नासिर काजमी ने ख़ास तौर पर ए, मीर से असरात कबूल किए थे और मीर पर काफ़ी काम किया था इंतखाब भी किया था और मीर की शायरी से असरात भी कबूल किए थे और उसको बाकायदा बहस का एक हिस्सा बनाया था तो वो जो जमालियाती अखदार हैं वो तो जो पीछे एक हिंद इस्लामी तहजीब चली आ रही थी वो भी दिखाई देती है लेकिन दूसरी जो है पाकिस्तानी अदब पर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े वाक़ात हैं जैसे फसादात का असर हुआ तो उससे पाकिस्तानी अदब की खास शक्ल बनी और फसादात को पाकिस्तानी अदीबों ने एक ख़ास तरह से एक्सपीरियंस किया और ख़ास तरह से उसे रजिस्टर किया फिर तो उसके बाद कतर का जिस जिसपे आज आपने बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और फैज की नजर डाका से वापसी के बाद जिस तरह किया तो वो भी एक पाकिस्तानी एक अदब का एक हिस्सा है कि एक बड़े अलमिये से पाकिस्तान गुजरा और उस अमियािए पे हमारे यहाँ बहुत लोगों ने लिखा अल्फ़ आतमा ने लिखा और तारक महमूद ने नावल लिखा और इसके अलावा हमारे फिक्शन में इंतजार शाह ने लिखा मसूद शाह ने लिखा जायदा हिना ने लिखा और उम्मे उमारा ने लिखा शायरी में भी जैसे फैसब का जिक्र आया है या नसीर तुराबी की एक बड़ी मशहूर हम के ठहरे अजनबी सॉरी ये तो फैज किया है नज जो अपने की तो वो वो भी हमारे पकसानी अदब का हिस्सा बना फिर उसके बाद जो जिया का ज़माना आया और जो मुजामत कि एक रॉ चली वो भी पाकिस्तानी अदब का हिस्सा है फिर नाइन अलेवन के बाद जो तब्दीलियाँ आई वो भी एक पाकिस्तानी अदब का था एक और चीज़ जो जिसको हम पाकिस्तानी अदब को देख सकते हैं और मुख्तलिफ कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के अदब से वो है पाकिस्तान का खास लैंडस्केप और वह लैंडस्केप जो ख़ासतौर पर वादिया सिंध का है वो रफ़्तर रफ्तार में अपने पाकिस्तानी अदब में नजर आना शुरू हुआ और वह खासतौर पर हमें मजीद अमजद की शायरी अगर आप पढ़ें जैसे उनकी एक नज़म हड़प्पे का कतबा या उनकी कुआ नज़म है तो उसमें आपको वो पाकिस्तानी लैंडस्केप नज़र आता है इसके अलावा बेशुमार और शायरों के यहाँ हमारे जंग के कुछ शायर थे शहर जाफरी उनके यहाँ वो नज़र आता है और दीगर सब शायरों के यहाँ जैसे लाहौर हमें उर्दू शायरी में बहुत नज़र आता है नासिर काजमी के यहाँ नज़र आता है हबीब जालिब के यहाँ नज़र आता है और फैज साहब के यहाँ भी ये नज़र आता है अफसाना निगारों के यहाँ ये लाहौर बहुत नज़र आता है कराची नज़र आता है तो ये जो लैंडस्केप है एक फितरी लैंडस्केप और दूसरा कल्चरल लैंडस्केप तो ये भी उससे एक पाकिस्तानी अदब की एक ख़ास शक्ल बनी है जो मतलब इतने छिहत्तर बरसों में कह सकते हैं कि वो हमें एक दूसरे मुल्कों के अदब से एक अलग लेकिन वो पाकिस्तान की तमाम जुबानों को हमें शामिल करना होगा उसको हम सिर्फ एक ज़ुबान को हम नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तानी अदब की नुमाइंदगी करती है जी ठीक है तो आपने यहाँ पे अभी कुछ मौाक़ों का ज़िक्र किया है आपने इकहत् की बात की आपने नाइन एलेवन की बात की और फिर इस सब में अगर हम देखते हैं अगर इनके बाद जो अदब आएगा पाकिस्तान में जिस भी ज़बान में लिखा जाए और ख़ास तौर पे अगर उर्दू के अलावा और जबानों में लिखा जाएगा तो और एडियालॉजीज़ भी आएंगी उनके और कल्चर्स भी आएंगे और इन सब से एक सियासी पहलू पैदा होता है तो क्या अदब और आर्ट बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल हो सकते हैं या अगर हम उसको पॉलिटिकल तस्लीम करते हैं तो ये नामुनासिब है देखें अगर हम देखें अदब को बिल्कुल बुनियादी और उसकी असासी सतह पर जाके देखें या उससे भी आगे जाकर आर्ट को देखें तो आर्ट बुनियादी तौर पर अपने अंदर एक रजिस्टेंस रखता है आर्ट तख्लीक करना एक तरह से जो आपको दुनिया मिली है उसके मुतवाजी एक और दुनिया पैदा करना है वो जिस तरह तो इकबाल कहते हैं कि तुशबाफरीदी चिराग आफ्रीदम सिफाल फ्रीदी अयाग आफ्रीदम तो रात के मुकाबल जो चिराग बनाना है और मट्टी मौजूद है उससे प्याला बनाना है ये आर्ट है कि आप एक तरह से आपके अंदर एक बेतमीनानी है जो दुनिया आपको मिली है आप उस दुनिया से मुतमिन नहीं हैं आप उस दुनिया को काफ़ी और सफिशेंट नहीं समझते और उसके मुकाबल आप एक दुनिया तख्लीक करते तो ये आर्ट है तो ये एक मुतवाजी दुनिया की तख्लीक़ या मुतबाद दुनिया की तख्लीक ये तो आर्ट में पहले दिन से है और इसको आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस है लेकिन ये एक और तरह की रेजिस्टेंस है कि आप जो आपको दुनिया मिली है आप इस पर राजी नहीं आप आपके आप इंसानी मकासद का या इंसानी जो आइडियल हैं उनका एक तस्वर रखते हैं और उनको आप आर्ट में ले आते हैं लेकिन जो ताकतवर कुवते रही होती हैं हर जमाने में वो आर्ट को एक तरह से एक अपने फोल्ड में लाना चाहती हैं और उस लोग आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के अंदर जो एक रेजिस्टेंस की रूह है उसको कन्फॉर्मिटी की एक रवैये में तब्दील करने की कोशिश करती हैं और बहुत से आर्टिस्ट हो भी जाते हैं वो आर्टिस्ट के लिए तरगीब यानी एवॉर्ड पैसे पोजीशंस ये करते हैं और अगर वो उसमें ना आए तो फिर वो ताक़त का इस्तेमाल करते हैं उनको जेलों में डालते हैं और उनको फांसी पर चढ़ाते हैं और उनको जिलावतन कर देते हैं जैसे फैसा भी जिलावतन हुए और बहुत से लोग हमारे यहाँ छोड़ के चले गए अहमद फराज़ भी गए तो वो करते हैं लेकिन आर्ट जिसको हम सही आर्ट कहते हैं उसके अंदर ये एक रजिस्टेंस वो लाजमा मौजूद होती है और वो रजिस्टेंस कल्चरल रजिस्टेंस होती है और उसके बाद कभी कभी ये बिल्कुल वाज पोलिटिकल रजिस्टेंस होती है जिसकी हमारे यहाँ मिसाल सबसे बड़ी मिसाल जो पोलिटिकल रजिस्टेंस की वो अभी जालिब की है कि वो जब भी कोई हुकूमत तब्दील होती थी तो वो उनकी जो सियासी पॉलिसियाँ थी उन पर सख्त और बरमला अवमी जलसों में तनकीद करते थे अपनी शायरी की सूरत में और उसके नतीजे में वो जेल में भी जाते थे तो आर्ट कोई अगर हम आर्ट का इस सावि से जगह जायज़ा लें तो हर बड़ा आर्ट लाजमन उसके अंदर एक पॉलिटिकल डायमेंशन होती है पॉलिटिकल डायमेंशन का मतलब ये कि वो जो एग्जिस्टिंग एक पावर स्ट्रक्चर है उसको वो क्वेश्चन करता है उसको इंटरोगेट करता है और उसके जो तस्वुरा हैं या उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको कंटेस्ट करता है तो पॉलिटिकल तो वो होता है तो आगे बढ़ते हैं तो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की तो हमने क्लास में एक शेर पढ़ा था हाँ नुकता वरो लाओ लबो दिल की गवाही हाँ नग़मा गरो साज सदा क्यों नहीं देते तो आपने जो भी बात की कि आर्टिस्ट को लालच दे दिया जाता है अवॉर्ड का या पैसे का या ऑपोजिट साइड पे देर ऑलवेज फेयर जिसकी वजह से लोग जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं जो वो ख़ुद से शायद नहीं करना चाहते तो वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तानी अदीबों में खास तौर पे कॉमन है कि हम देखते हैं कि टाइम बाय टाइम इन हिस्ट्री हमारे पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं कि कभी किसी का दौर था जब किसी को जेल में डाल दिया गया अब मैं नाम तो नहीं ले सकती लेकिन फैज़ को जेल में डाला गया उसके बाद हबीब जालिब को जेल में डाला गया हमारे पास जब एक और एक बहुत ही टेरनिकल रोल आया तो फिर हमेशा हम देखते हैं कि जो पहला टारगेट होता है वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं थिएटर होता है उसके अलावा गुलुकार भी इसके नीचे आ जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी अदीबों में ये एक ख़ास रेजिस्टेंस शायद हमारी अब हिस्ट्री में पोस्ट कॉलोनियल होने की वजह से क्या ये बुन दी गई हुई है कि पाकिस्तानी अदीब हमेशा रेजिस्ट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे देखिए मेरा ख़्याल है जैसा मैंने पहले कहा कि आर्ट अपने अंदर एक रेजिस्टेंस की एक रूह रखता है अब उसको ज़ाहिर होने के कितने मौक़े मिलते हैं कभी रेजिस्टेंस होती है इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस जो आपके समाज में बड़े बड़े नैरेटिव्स होते हैं कभी आर्ट उनको चैलेंज करता है कभी वाज मतलब पॉलिटिकल जो एक होती है रिजीम होती है जो बहुत अप्रेसिव होती है उसके खिलाफ आर्टिस्ट उठ खड़े होते हैं पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे यहाँ पकसान बना जमहूरी अंदाज में आ, लेकिन जमूरीत को यानी कहा भी जाता है कि वो हमारा बुनियादी तर्ज हुकूमत है लेकिन सबसे ज़्यादा सप्रेस जमहूरीत को किया गया है और हमारे यहाँ आमरीत ज़्यादा रही है और न सिर्फ आमरीत ज़्यादा रही है बल्कि आमरीत के लिए एक तरह से लोगों के अंदर हमायत भी पैदा की गई है और आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सियासतदानों के मुकाबले में जो डिक्टेटर हैं उनको बेहतर हुक्मरान कहेंगे उनके तर्ज हुक्मरानी एक मुकाबलतन उसकी ज़्यादा तारीफ करेंगे तो अब जब आपके यहाँ मुसलसल एक अप्रेशन रहा है और लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो बार बार मतल किए जाते रहे हैं और कब आपका जो आइन है वो मतल किया जाता रहा है आइन को रद्दी की टोकरी में फेंकने जैसे बहुत से नारे लगाए जाते रहे हैं या बकायदा अमला इसका इजहार किया जाता रहा तो ऐसे में आर्टिस्ट के पास तो कोई रास्ता नहीं है कि वो इसके खिलाफ़ रजिस्ट ना करें क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो तो उसके सामने दो चीज़ें हैं एक तरफ अथॉरिटेरियन रूल है और दूसरी तरफ उसका निशाना बनने आवाम है तो आर्टिस्ट तो हमेशा आवाम के साथ खड़ा होता है तो जब अप्रेशन ज़्यादा रहा है तो वो आर्टिस्ट मजबूर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ ये दुनिया भर में है जिसको हम अप्रेशन कहते हैं या जबर कहते हैं इसकी शक्लें अलग हैं लेकिन दुनिया का कोई ऐसा माशरा नहीं है जिसमें जबर ना हो कहीं जबर शदीद है और कहीं वो इतना शदीद नहीं है मतलब अगर आप वेस्ट में भी देखें तो वेस्ट में भी आपको मुसलसल एक इस मतलब नॉम इसकी इस वक्त मौजूद है तो अमेरिका को बहुत लोग हो सकता है समझते हो कि बहुत अच्छा मुल्क है अगर वो वाकई उसमें ये सब कुछ होता तो वहाँ नाम से की कोई ज़रूरत नहीं थी हिंदुस्तान में अरुंदती राय है वो हम हमसे हम कहते हैं कि इंडिया कई हवालों से बेहतर है कि वहाँ जमुरियत का तसलसल है लेकिन उसके बावजूद वहाँ अरुद्धति राय जैसे इंटलेक्चुअल मौजूद हैं तो वो इसलिए मौजूद हैं और इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ बहुत सी हकूक़ की पामाली होती है इसी तरह बाकी यूरोप में बहुत से मौजूद हैं मिसल मिशल फोकू एक जिन्होंने जदीद दुनिया को ये समझाया कि जो पावर क्या होती है और पावर इस्तेमाल कैसे होती है वो एक जगह कहता है कि जो पावर होती है दैट्स लाइक ए वर्ब है नाट लाइक ए नाउन कि जो ताकत है ये नाउन नहीं है वर्ब की तरह है जो नाउन होता है वो स्टेटिक है लेकिन जो वर्ब है वो मूविंग है तो वो जो ताकत होती है वो मुसलसल हर जगह मौजूद है और मुसलसल मूव कर रही है अब जहाँ ताकत मौजूद है वहाँ इसकी रेजिटेंस भी मौजूद है अब वो ताक़त कहीं ताकत कहीं बिल्कुल साफ़्ट है बज़ाह नज़र नहीं आती वो बड़े सटल तरीके से काम करती है तो वहाँ रजिस्टेंस और होगी हमारे यहाँ चूँकि बहुत ही एक, एक, एक Uh, क्या कहना चाहिए ब्रेजन एक तरीके से वो सामने आती है तो लिहाजा हमारे यहाँ रजिस्टेंस भी वो मौजूद है और इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट जो नवागार हैं और नुकत हैं उनको अपने लबो दिल की गवाही लाते रहना चाहिए अगर वो नहीं लाएंगे तो वो जो पूरा मुआरह है वो एक कब्रिस्तान बन जाएगा तो किसी मुशरे को कब्रिस्तान से कब्रिस्तान बनने से बचाने में जो किरदार होता है वो इंटलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट इन दो का होता है ये तो आपने बहुत गहरी बात कर दी अब तो मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा सोचना रुकना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें सोचते रहना चाहिए तो हमने यहाँ पे बहुत हैवी टॉपिक्स की बात कर ली है ऑप्रेशन की बात की है पावर की बात की है लेकिन अब हम थोड़ी सी जमालियात की बात भी कर लेते हैं कि हमने देखा है जो हमारी नज़म का तसलसल है और जिस तरीक़े से हम लिखते हैं जिस तरीके से पढ़ी भी जाती है आपने ज़िक्र किया था एक दफ़ा कि वो बहुत कलोनियल है तो हमने क्या आज़ाद नज़म लिखने में या और नसरी नज़म लिखने में भी क्या उससे हम दूर गए हैं ताकि हम लोग एक अपना तरीका कायम कर सकें पाकिस्तानी अदब को अपने तौर से लिखने का ये ना हो कि वो वेस्ट से इन्फ्लुएंस ना हो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि लाजमी नहीं है कि जो भी चीज़ वेस्ट से आती है वो गलत है या ख़राब है लेकिन फिर इस चीज़ में अपने अदब में जब वेस्ट का इन्फ्लुएंस है तो हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे सचुएट करते हैं देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और इस पर बहुत ज़्यादा एक डिबेट की ज़रूरत है हमारा जो वास्ता और ताल्लुक़ बना है वेस्ट से वो तकरीबन कोई अब उसको डेढ़ दो सौ बरस से हुआ है और हमारे सामने जो वेस्ट का चेहरा आया वो बुनियादी तौर पर कलोनील वेस्ट का चेहरा आया है तो और उसके नतीजे में जो मॉडर्निटी आई ये सब कुछ जो आया जिसमें आप जिनका जिक्र किया मॉडर्न अस्नाफ आई तो वो उस जमाने में आई जब हमारा वेस्ट से जो ताल्लुक़ था वो एक कॉलोनील ताल्लुक़ था वेस्ट के दो चेहरे हैं एक उसका कॉलोनियल चेहरा है जो बिल्कुल डार्क चेहरा है दूसरा उसका चेहरा मॉडर्न चेहरा है जो हमें वहाँ नज़र आता है उनके अपने मुल्क में उन्होंने जो कॉलोनील मुतारफ यहाँ करवाया वो वहाँ के जो उनके अपने इदारे थे उनकी बहुत ही बुरी तस चीज़ें यहाँ पेश की और वो एक तरह की उनकी जो कॉलोनील मॉडर्निटी है वो यूरोप की एक डार्क साइड है तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ हमारे यहाँ कलोनील मॉडर्निटी और उसकी मुख्तल मैनीफेस्टेशन हुई हैं और कहाँ दूसरा जो मॉडर्न है जो इल्म है जो एक सही इंसानी इल्म है जिस पर आप कोई लेबल नहीं लगा सकते कि वो किसी मुल्क का है या किसी नस्ल का है वो इंसानी है तो ये हमें फ़ार करना चाहिए अब हमारे यहाँ ऐसे भी मुसन्फ़ और लिखने वाले हैं आर्टिस्ट भी हैं इंटेलेक्चुअल भी हैं जो सब कुछ वही लेके चलते हैं जो कॉलोनियल वेस्ट का था और कॉलोनियल वेस्ट के एजेंडे को लेकर चलते हैं कॉलोनील वेस्ट का एजेंडा क्या था कि एक तरह की जो जहनी गुलामी और मरुबीत है वह पैदा करनी है और ये देखना है कि जो कुछ बाहर का है जो कुछ वेस्ट का है जो कुछ गोरे ने पैदा किया वो सब अच्छा है और आला है और जो कुछ मकामी और देसी है वो सब हकीर है यहाँ के दरख्त हक़ीर हैं यहाँ के जानवर हकीर हैं यहाँ के इंसान हक़ीर है, यहाँ का कल्चर यहाँ की ज़ुबान ने, यहाँ का अदब सब कुछ हकीर है और सबसे आला जो है जिसका तल्लक वेस्ट के साथ है ये हमने तो जो लोग ये लेके चलते हैं तो वो तो सारे एक तरह के कॉलोनाइज माइंड हैं और कॉलोनील जो वेस्ट है उसको लेके चलते हैं दूसरे वो लोग हैं जो वेस्ट के में जो इंसानी इल्म पैदा हुआ है उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखते हैं और कॉलोनील वेस्ट को बेनकाब करते हैं कि कहाँ कहाँ जो कॉलोनील वेस्ट है उसने वो हमारे लिए उसने वो हमारे लिए जबर का एक नुमाइंदा बनाया और उसने हमारे कल्चर को मशक् किया हम अपने कल्चर के सिलसिले में उस कल्चर से हमें बेगाना किया और हमारे दिलों में अपने कल्चर के लिए हकारत के जज्बात पैदा किए और वो फिर अपने आप को एक तरह से रिक्लेम करते हैं अपनी जो लोकल आइडेंटिटी है और अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी उसको तो हमें हमारे उर्दू अदब में भी और दूसरी ज़ुबानों के अदब में ये दोनों तरह के अदीब मिलते हैं यहाँ तक वो हमारी अपनी आइडेंटिटी को ले चलने वाले बहुत से अदीब हैं वो हमें अकबर अलाबादी से लेकर इकबाल और उसके बाद मजिदमजेद राशिद मीरा जी और फिर फैज साहब और फिर हबीब जालिब इंडिया में अख्तरमान हैं और फिर उसके बाद जिलानी कामरान हैं वज़ी आग़ा हैं और फ़िक्शन में इंतज़ार हुसैन है जिन्होंने बिल्कुल जिन्होंने वेस्ट का जो कैनन था फिक्शन का उसको बिल्कुल सवर्ट कर दिया और उसकी जगह कहा कि जो फिक्शन है उसकी रिवायत खुद हिंदुस्तान में मौजूद थी हमारे पास मौजूद थी और पुरानी जो कहानियाँ थी जाता कहानियाँ थी जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी जो खुद सूफिया के मलफूज़ा थे और उनकी हायात थी उनको वो ले लेके आए और कहा कि यह भी एक कहानी की रिवायत है और लाजमी नहीं कि हम कहानी की सिर्फ उसी रिवायत को सामने रखें जिसको वेस्ट ने मुतारफ करवाया नावल और फ़िक्शन अफसाने के नाम पर तो हमारे यहाँ भी फ़िक्शन और वो उसकी सूरतें हैं और वो कोई कमतर सूरतें नहीं हैं तो हमारे हमें यहाँ ये दोनों तरह के अदीब मिलते हैं तो हमें ज़ाहिर उस अपने अदब का मताल करते हुए और उनको एनालाइज़ करते हुए ये फ़र्क जरूर रखना चाहिए कि कहाँ वो अदीब जो कॉलोनील वेस्ट की जो डार्कट साइड है उसको लेके चलते हैं और कहाँ दूसरे हैं जो इस डार्कअ साइड को कंटेस्ट करते हैं और वेस्ट का जो इल्म है उसके साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भी लेके चलते हैं जी ये आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि जो हमारी रियलिटी भी है वो हमें कोई और बताता है तो उसमें ये याद रखना कि हम कौन है जी, जी. ये मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि शायद पार्टिशन हुआ माई का सवाल था कि हम कौन है और अब हम और पचहत्तर साल के बाद अब भी हम कौन हैं ठीक है तो सर अब आते हैं मेरा जो फेवरेट सवाल है इस सेगमेंट में और वो है जो इस पूरे शो की बुनियाद कायम की गई थी जिस आइडिया ने वो है एक तो इकबाल बाल बानो का नाम है लेकिन उससे आगे चलते हुए आम, अब अभी भी हमने जिन अदीब का जिक्र किया उसमें हम देखते हैं कि बेशतर हमारे पास मर्दों के नाम आते हैं कुछ अदीब जो फ़ीमेल्स हैं जैसे करतुल हैदर हैं सारा शगुफ्ता हैं फ़हमीदा रियाज हैं लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें तो कम है लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जब हम गुलुकारा देखते हैं तो नूर जहाँ इकबाल बानो फरीदा खानम नूर जहाँ नूर टीना सानी जैसे नाम हैं तो गुलकारा जो हैं वो तो हमें फ़ीमेल्स मिल जाती हैं लेकिन अदीबों में क्या अगेन वो रियलिटी वाली बात आ जाती है क्या औरतों ने ऐसा काम किया लेकिन उनको आगे लाया नहीं जाता या फिर उनका काम उनको ट्रेनिंग ऐसी नहीं दी जाती जो मर्द अदीबों को दी जाती है औरतों का क्या रोल है इस पाकिस्तानी अदब की आइडेंटिटी कायम करने में देखिए मेरा ख़्याल है जो शायरी और फ़िक्शन में वो तो बहुत ख़वात आई हैं कुछ के अपने नाम लिए जैसे क़ुरतन हैदर है और जमीला हाशमी है बानो कदसिया है अच्छा हाजरा मसरूर है खदीजा मस्तूर है और उसके बाद खालदा हुसैन हैं जो जदीद अफसाने में सबसे बड़ा नाम है और फिर उनके बाद भी एक पूरी एक जनरेशन है जिसमें हमें नाम मिलते शायरों में अपने नाम ले लिया अदा जाफरी हैं जारा निगाह हैं किशवर नईद हैं फिर हमीदा रियाज हैं सारा शगुफ्ता हैं और बाद में तनवीर अंजम हैं अजराबास हैं और ख़ुद हमारे ज़माने में बुशरा एजाज हैं बहुत अच्छी शायरा है हमीदा शाहीन हैं और अम्बरीन सलाउद्दीन हैं और अमरीन हसीब अंबर हैं तो वो एक हाँ उनमें ये वक्त लगेगा जो इस वक्त ख़वा लिख रही हैं पच्चीस तीस साल चालीस साल बाद वो उसी तरह उनमें कुछ नाम अहम आ जाएंगे जितने नाम पहले हमें मिलते हैं फ़िक्शन में जैसे कुरत तो हैदर या जमीला हाशमी या बानुकसैया ख़ालदा हुसैन जैसे लेकिन तनकीद में हमें बहुत काम मिलता है नाम तनकीद में हमें मुमताज़ शरी का एक नाम मिलता है उसने अव्वल दर्जे की एक तनकीद लिखी लेकिन शायरी और फ़िक्शन में तो खवतान का काफ़ी एक किरदार है और उनका काम भी बहुत अव्वल दर्जे का है मैं कुरत हैदर मैं समझता तो हूँ कि दुनिया की चंद जो बड़े फ़िक्शन नगार हैं उनमें उनका शुमार किया जाना चाहिए और वो नोबेल इनाम की बजा तौर पर मुस्तक थी वो किसी भी उर्दू के किसी अदीब को अब तक नहीं मिल सका उसके कई इसबाब हैं लेकिन अगर हमें देखना हो कि सबसे पहले किसको मिलना चाहिए उर्दू अदी तो वो क़ुरतन हैदर थी अब ए, मेरा ख्याल है वो शिकायत नहीं है कि खवतिन को मौा नहीं मिलते एक ज़माने में था एक ज़माने तो ये था कि खवतान अपने नाम से नावल और किताबें नहीं छाप सकती थी एक अकबरी बेगम थी एक ज़माने में उन्होंने मुर्तज़ा अब्बासी के नाम से अपने नावल छापे और किसी ने अपने बेटे के नाम से छापे तो लेकिन अब वो नहीं है अब खातियां अपने नाम के साथ आ सकती हैं और वो उनको कोई घर में भी पाबंदी नहीं है समाज में भी एक कबूलियत हासिल है और ख़वान के अदब पे सेशंस मेरे ख्याल जितने फेस्टिवल्स होते हैं वो ज़रूर रखे जाते हैं अब सूरत मैं तो समझूँ काफ़ी बेहतर और हौसला अफजा है जी जी इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब पहली वमेंस मार्च हुई थी वो हदूद ऑर्डिनेंस के बाद हुई थी औरतों की जो बहुत आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अगर फोर्स औरतों की देखा जाए तो वही है तो इसी के साथ हम लोग अख्ताम की तरफ चलते हैं तो मैंने तो मुझे जो चीज़ें आज मैंने सीखी मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे सवालों के ये जवाब भी हो सकते हैं तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए आपने इतना कीमती वक्त निकाला और मैंने तो आपसे जिस तरह पूछा था आप मुझे तो पूरी उम्मीद थी मैंने कहा तामी इस तरह तो कोई नहीं हाँ कहता लेकिन थैंक यू आपके आने का please. और इसी के साथ शुक्रिया मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी